ये कितने में खरीद के आ गया? टू गुड। तेरे छोड़ दूंगी किसी दिन। मत कर मत कर मत कर। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ एयरपोर्ट मेरा एक सामान कलेक्ट करने, और काफ़ी सालों बाद मैंने खुद को एक गिफ्ट किया है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि वो चीज़ क्या है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो मिलता हूँ सीधा आपको एयरपोर्ट पर। मैं आया हुआ वीरा देसाई डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे को D3 का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, ताकि आगे जाके मेरे घुटनों में दर्द ना हो, इसलिए ले रहा हूँ। गाइज, और अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट मेरा बैग लेने और इसका कुछ सामान लेने। गाइज, ये राहुल त्यागी है। वैसे राहुल त्यागी जितने भी मेरे वीडियोस हैं सबके स्क्रिप्ट वो ही लिखता है, कंटेंट राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, सब कुछ है। उसकी मेंशन कर रहा हूँ मैं आईडी, उसको जाके फॉलो करो। लस्सी भी है। ये मेरा कितना हुआ राहुल? 220 ना। तेरा कितना हुआ? तेरा कितना हुआ? पासवर्ड देख लो गाइस, अगर कभी इसका कार्ड मिला ना आपको तो यही पिन डालना। ये मेरा मेरा क्या कर रहा है? पूरे दोनों का देगा। बैग आया तेरा? एक रीज़न ये है कि मैं राहुल के साथ कभी बाहर की नहीं आता हूँ, क्योंकि वो लड़का खर्चे हमेशा मुझे करवाता है। अभी उसने बेफालतू का कॉफ़ी मंगा लिया, 428 रुपया हुआ। घर से भाई खाना खा के आया, नींबू पानी पी के आया, बट एयरपोर्ट आके कॉफ़ी पीना ही है तेरे को। अरे कब सुधरेगा तू? गाइस, ऑलमोस्ट 2 घंटा रुकने के बाद हासिल हुआ है हमें हमारा चीज़, और ये मैं आपको घर पे जाके अनपैक करके बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये और क्यों मैं इसके लिए इतना इंतज़ार किया। राहुल बैग के लिए क्या बोलता है, क्यों रुके इतने हम लोग? क्या लगा, वर्थ है कि नहीं है? देखो अभी चलो ठीक है, घर पे पहुंच के बताता हूँ मैं। तो आप ही कह रहे हो, इतना ना भाई बनो, एक सुनत है ना। खाना खा के 2 घंटा हुआ, इसको लालच हो गई है पानी पूरी की। इतनी भूख लगती कैसे तेरे को? और ये भूख जाती किधर है भाई? कहाँ है ये भूख, किधर है? गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और देखते हैं कि क्या रिएक्शंस मिलते हैं बैग को लेके। तो पहले मैं मॉम के पास जाता हूँ और फिर नानी के पास जाऊँगा। नानी का तो मुझे मालूम ही है क्या बोलेगी, बट आप लोग देख लेना। गुड्डू, मेरी माँ हिसाब लिख रही है। क्या हिसाब लिख रही हो? कल का कॉल टाइम है मेरा सुबह का। अच्छा गाइस, तो मेरी मॉम शूट करने वाली है कल से, और सब टीवी पे आने वाला है, तो आप लोग सबको देखना है। और शो का नाम क्या है? अरे नाम बताओ शो का। पुष्पा इम्पॉसिबल। पुष्पा इम्पॉसिबल, तो देखना जरूर, बिकॉज शी इज कमिंग बैक विद अ बैंग, और अभी विद अ ट्विस्ट। विद अ ट्विस्ट, एंड दिस इज माय न्यू MK बैग। वाओ, नाइस, टू गुड। गिफ्ट दे रहा है? वेरी नाइस, हम नानी के पास और देखते वो क्या बोलती है। मम्मी मत क्या कर, गंद पड़ा था पहले, मैंने कमेंट पढ़े घर को ठीक रखा करो तो अच्छा है ना। वो लोग का घर थोड़ी ना हमारा घर, हम कैसे भी रखे। सुनो, उठ के बैठो यार, उठो। ये सारा इतने कचरा पड़ा रहता है सब जगह। अरे चलेगा यार, क्या करना है, अभी हम फेक तो नहीं कर सकते ना। ये सुनो,
ए सुनो यार। हाँ बोलो। चलो ये देखो, ये देखो क्या कैसा है बैग। अब ये कितने में खरीद के आ गया? ये मैंने ज्यादा नहीं, बस 49,200। ठीक है ना, यही खर्चे करो। अरे है कैसा होगा? ठीक, मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी यूज करती हूँ जो मुझे पता हो। मतलब ये पैसे से अपना 2 महीने का राशन निकल जाता ना? निकलता है? नहीं निकलता। कितने कितने में निकलता फिर? 50,000 एक महीने का। 40 एक महीने का? भाई मेरी नानी बहुत रही थे। उमेश क्या पूछ रहे हो तुम, कौन सा क्या है बैग, कौन सा है, इसमें सामान भरा पड़ा है? सामान इसमें सामान नहीं है, ये बैग खाली पड़ा हुआ है। तो खाली है, खाली है। टैसा लग रहा है ना है? पता है कितने का है? मैं पता नहीं है, बताओगे तभी तो पता। एक अंदाजा लगाओ कितने का होगा ये। क्वालिटी अच्छी इतनी इसकी? इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो कम से कम होगा यार 5,000 से तो ऊपर का ही होगा। एक अंदाजा लगाओ है? एक अंदाजा लगाओ। 5,000 है मैक्सिमम। 5,000 मैक्सिमम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैग है 49,000 का। मतलब 40 नहीं 50,000 का बैग है। 50,000 का? उसमें 1,000 का, 1,000 का 49 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
बैग एकदम अल्टीमेट है, मस्त है, अल्टीमेट। तो गाइस अभी मैं इसको अनपैक करने वाला हूँ प्रॉपरली, और मैं आपको दिखाता हूँ कितना जगह है अंदर। ज़्यादा तो काफ़ी दिख रही है, ठीक है। ये मैकबुक एयर का वारंटी कार्ड है, और यहाँ से शायद बैग खुलता है। ओके ओके, तो इसको करो तो ये इतना मुंह खुल जाता है इसका, मतलब बैग खुल जाता है इतना। बैग में जगह दिखाओ इधर, बैग में काफ़ी जगह दी हुई है, मतलब आराम से मेरे दो जूते तो आ जाएगा, एक जूता एक चप्पल आ जाएगा। लैपटॉप के लिए अलग स्पेस दिया हुआ है, और आपके चिलर्स या आपके आपके कॉइन्स के लिए, और फिर आपके फ़ोन के लिए भी जगह दी हुई है, अच्छी काफ़ी जगह है। और फिर ये छोटे पॉकेट्स दिए हुए हैं जिसमें बॉटल तो कई एंगल से लगता नहीं है मेरे को आने वाला, बट ठीक है। वैसे बैग बहुत सेक्सी है यार। माँ तुसी जा रही हो? हाँ। तुसी ना जाओ। क्यों? कहाँ जा रही हो? अंजू जी के घर। उनको मेरा प्रणाम करना माँ। कभी तू भी प्रणाम कर दिया कर खुद से। कल रात को मेरे को लेके गई थी ना प्रणाम नहीं, करने। तू खुद आया था ना। हाँ? तो तू भी वो उसने बोल दिया ना, देखो शर्म आनी चाहिए, उन्होंने खुद बोला ना तुझे। ओके माँ मैं आता हूँ कल प्रणाम करने उनको। झूठ बातें करता है। चरण स्पर्श करूंगा मैं। कर लेना पर्सनली। अम्मा जरा जाके आती हूँ। कितना फुटेज लो गया मेरे यूट्यूब से? तेरे यूट्यूब से मैं फुटेज। गाइस तो भूलना नहीं, आपको उनका शो देखना है, और बस देखना है, और टाइमिंग भी आपको बता दूंगा मैं। और मेरी माँ पीछे से ये कर रही थी, पता नहीं क्यों, क्या बोलने की चाह रही है। एक तो ये लड़की ना घर पे आती है, बस घर के बाहर बैठी हुई रहती है हमारे। आजा, आओ, कम यहाँ। मैंने इसको सच में अडॉप्ट कर लिया रहता, बट मेरे घर पे ये दो खूंखार बैठे हुए हैं ना, एक नीचे और एक वहाँ पे, वो लोग इसको काट के ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैं नहीं लाता हूँ इसको घर पे। आई आओ, आई आओ, आई आओ, सो रहे वो लोग, आजा आजा आजा, सो रहे वो लोग, आजा, कम यहाँ, कम यहाँ गुड गर्ल, कम यहाँ, कम यहाँ, आई आओ गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, मारी दीकू, मारी दीकू, सूचे। गाइस तो इसका नाम है सूचे। लाड प्यार करो ना, तो अंदर जा रही है, अगर कुत्तों को मान पड़ गया ना तुम्हारी हो फाड़ देंगे तुम्हें। चलो बाहर जाओ। ओके बैठ जा, बैठ जा, सीधा जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा, पुछो। जानवरों को सिर्फ प्यार चाहिए यार, प्यार करो, सिर्फ प्यार करो, इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर देम। कितनी प्यारी है यार ये। सागर भी आ चुका है, अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है मेरे पास के देखते हैं।
माँ और बेटे आ चुके हैं सब जादे क्या का रिएक्शन देख लेते हैं अभी किसका पानी तूने मेरे को ऊपर से पानी फेंका अगर एमके मंगा पर ऐसा भाई मेरे को तो पसंद ही नहीं आता अबे तू तो नालायक ही एकदम तेरे को तो भाई कुछ भी नहीं पसंद आता है हे गाइस तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पार्टी लेके कहाँ जा रहा हूँ मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ मुझे हर सैटरडे मिलने आता है कोई और मैं आपको दिखाता हूँ कौन आता है क्या है लक्ष्मी और ये राधा हम टू मोटूज एंड आई ऑलवेज टेक बिस्किट्स फॉर देम गुड्डे के लिए मम्मी क्या पहन रही हो आज जब आपको मालूम है तेल से आपको खांसी होती तो आप क्यों खा रही हो अभी गुड्डू को बोलता हूँ मेरे को जिसको मर्जी बोल धमका रही हो मुझे आप धमका रही हो मत कर थोड़ूंगी किसी दिन hey guys, तो मैं अभी जस्ट हेयर कट करके आया हूँ क्योंकि मैं बरेली जाने वाला हूँ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो मैंने सोचा कि बाल कट के जाओ ताकि ब्लॉग में मैं थोड़ा अच्छा लगूँ वरना मेरे बाल इतने वेवी और मेरे बालों का वॉल्यूम इतना है कि बहुत बहुत बड़े बड़े लगते हैं तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं आपको मिलूँगा सीधा बरेली में एंड आई एम गोना मिस एवरीवन घर पे मेरे को नानी की याद आएगी सागर की आएगी मॉम की आएगी ये घर की आएगी चाय की आएगी सबकी आएगी सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस